Welcome, dear viewers, to my new episode of Conversation with Supriya. A boss has a title, but a leader has the people. वही लोग जो अपने लीडर में देखते हैं आशा की किरण, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा that a leader is the dealer of hope. So, by now, you all might have guessed that who is going to be the stardom of a today's podcast. Exactly, you got me correct. Today we are going to talk about a highly successful and powerful political leader, जिनकी success story is not a fairy tale with a magic wand, but it is the story of hard work, dedication and perseverance. तो आज के हमारे शो में हम स्वागत करते हैं कोटा दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के जन जन के लाडले विधायक श्री संदीप शर्मा जी। सर, वी वेलकम यू टू आवर शो। ये बहुत बड़ी बात है हमारे शो के लिए कि आप आए। थैंक यू वंस अगेन सर। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम सर। प्लीज प्लीज हैव अ सीट। आपकी परमिशन हो तो हम स्टार्ट करें शो को। ठीक है, थैंक यू सो मच। पहले तो सर, जैसे ही मुझे पता चला कि आप हमारे शो पर आ रहे हैं, आपने हाँ बोल दिया फाइनली, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया ऑनेस्टली मेरे दिमाग में वो यही था कि क्या भारत वाकई में विकास कर रहा है? जी देखिए, इस चीज का एहसास सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको भी होगा और आपके साथ साथ उन तमाम देशवासियों को जो इस देश में रहते हैं। हर क्षेत्र में, चाहे वो आत्मनिर्भरता का विषय हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विषय हो, मेडिकल हेल्थ का विषय हो, खेल के विषय में, हम चौंर जहां आज हमारे भारत को देखना चाहते हैं, जो भारतवासी हैं वो गौरवान्वित अपने आप को समझ रहे हैं। एक मान, एक सम्मान, एक ऐसा गौरव भारतवासियों को विदेश की धरती पर प्राप्त होने लगा है जो कभी संभव नहीं था। तो निश्चित रूप से अब हम, जैसी कि हमारी परिकल्पना है कि हमारा ये देश विकसित राष्ट्र हो, हम बहुत तेजी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के कदमों से कदम मिलाते हुए देशवासी अब आगे की ओर बढ़ने लगे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विचार कि हम इस राष्ट्र को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे और अपनी 100वीं आजादी की जयंती को एक विकसित राष्ट्र, देश राष्ट्र के रूप में हम उसे मना पाएंगे। बहुत बड़ी बात आपने बोली आज, क्योंकि मैं जब भी पढ़ती थी तो यही बोलते थे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कब बनेगा? तो ये मेरे दिल में कहीं ना कहीं था। और जैसे ही मेरे को पता चला आप आ रहे, तो मेरा यही था कि एज अ स्टूडेंट कि मैं ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछूं कि कब होगा कि हम बोलेंगे कि हाँ वाकई में कंट्री डेवलप्ड हो गई है। अब सर, अगर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बचपन, हम हर एक को बोलते हैं कि हमारे अंदर एक बच्चा होता है जिसे हमें हमेशा जिंदा रखना चाहिए। तो आप कोटा के ही हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल गलत नहीं होंगे ये बोलने में कि संदीप शर्मा इस कोटा एंड कोटा इस संदीप शर्मा, डोंट डाउट। मैं कोटा बाद में आई, कोटा के साथ में मुझे संदीप शर्मा नाम मिला जब मैं अपने स्टेट में रह रही थी। तो आप कुछ बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा, आपका फैमिली के बारे में, आपकी दिनचर्या के बारे में। लेकिन मेरा बचपन मध्यम वर्गीय परिवार, पिता रेल कर्मचारी थे और अन्य सभी बच्चों की तरह बहुत ज्यादा शरारती, और लेकिन शरारत के साथ साथ बहुत ही तरुण अवस्था से संवेदनशीलता भी थी और लोगों के दुख पीड़ा को देखकर तब भी जो है हृदय द्रवित होता था और उनके सहयोग के लिए तत्पर खड़े रहते थे। और ये परिवार की विरासत भी थी कि माताजी
जो थी उनका स्वभाव बड़ा करुणामयी और बहुत संवेदनशील था। हाँ जी। और उनका जब भी किसी को दुखी पीड़ित या परेशान देखती थी तो वो उसकी पूरी मदद के लिए हर प्रकार से खड़ी रहती थी। तो निश्चित रूप से संस्कारों में वो स्वभाव आए। पिता अनुशासित जीवन जीते थे और उनका प्रयास भी रहता था कि अनुशासन भी हो और एंजॉयमेंट भी हो, मनोरंजन भी हो, उनका ऐसा स्वभाव था। तो वो दोनों ही चीजें आपके अंदर हैं, जीवन में जो है मुझे सीखने को मिली है। हाँ जी। और मैं प्रयास करता हूँ कि माता पिता के उन गुणों का मैं जो है पूरी तरीके से उसकी अनुपालना करूँ। बिल्कुल। हम अगर अपने इतिहास की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में पहले अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था। जी। हम हमेशा प्रेफर करते थे कि हम एक साथ रहें, लेकिन ये अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की तरफ जाता जा रहा है। जी। तो आप क्या प्रेफर करते हैं, क्योंकि आप भी 21वीं सदी भारत में रह रहे हैं, तो जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली? देखिए, संयुक्त परिवार से सौभाग्यशाली परिवार और कोई नहीं हो सकते। बहुत बड़ी बात बोली आपने। और जहां परिवारों में एकता होती है परिवार के अंदर, संयुक्त सभी लोग एक साथ रहते, उससे सुखद और सहयोगपूर्ण वातावरण मैं नहीं समझता कि वो किसी परिवार में होता हो। परंतु आज आधुनिकता के युग में लोगों को अन्यत्र अपने राज अपने नौकरी अथवा वो कोई अन्य उनका जो व्यवसायिक पेशा है उससे उनको कई जगह जो है बसना पड़ता है उस कारण भी। परंतु यदि आपसी वजह से परिवार अलग हो रहे हैं तो मेरे जो है मेरे मन कहता है कि वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि छोटी चीजों को सहन करना एक संयुक्त परिवार की निशानी होती है। त्याग करना और आपस में परिवार में एक जो भाईचारा रहता है उसमें आप किसी भी बड़ी से बड़ी परेशानी में हो तो परिवार के पूरे लोग तो खड़े ही रहते हैं और साथ ही साथ उनसे जुड़े पूरे लोग आपके साथ खड़े होकर उस परेशानी से आपको निजात दिलाते हैं। और जहां एकल परिवार होते हैं तो वहां निश्चित रूप से छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। बिल्कुल। मतलब जो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जो हमारी भारत की एक बहुत बड़ी खूबी रही है, ये हमको तैयार करता है समाज में खड़े होने के लिए। ठीक है सर, कुछ महीने पहले की अगर हम बात करें, 4 दिसंबर 2023 बहुत बड़ा दिन था हम सबके लिए, तो न्यूज़पेपर चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में ये न्यूज़ हाईलाइट हो रही थी कि बीजेपी संदीप शर्मा विद 95,393 डिफीट्स INC's राखी गौतम, ऐसी न्यूज़ आ रही थी। अब ठीक है, बहुत सारे लोग खुश हो रहे थे, कुछ लोग थे जो खुश नहीं हुए होंगे थोड़ा बहुत। हम बहुत आसानी से बोलते हैं कि पार्टी का टिकट मिल गया, हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि अरे वो जीत गया, लेकिन उस जीत के पीछे, उस टिकट मिलने के पीछे जो पूरी एक स्टोरी होती है, जो पूरा एक स्ट्रगल होता है, वो शायद कोई नहीं देखता है। हम पार्टी मनाने आ जाते हैं लेकिन उसके पीछे जो हमने एक एक कदम रखा है, जो एक एक पसीना बहाया है, वो शायद कोई नहीं देखता है। तो आप बताइए कि ये सक्सेस आपने कैसे पाई? मैं कॉलेज राजनीति से और उससे पहले ही स्कूल में भी मैं छात्र राजनीति में था और मैं 10वीं में भी चुनाव लड़ा, 11वीं में भी चुनाव लड़ा और दोनों ही बार 10वीं में उपाध्यक्ष और 11वीं में अध्यक्ष के लिए, मेरे विद्यालय के अध्यक्ष के लिए। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज में मैं छात्र संघ का उपाध्यक्ष मुझे बनाया गया और उसके बाद मैं स्वयं चुनाव लड़ा और मैं कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष बना। 1989 से ही, बल्कि उससे पहले भी 86 से मैं जब 11th 11वीं में था और उसके बाद जब कॉलेज तक आया तब से हल्का हल्का मेरा राजनीतिक प्रविष्टि चालू हो गई थी। अच्छा। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़े हुए थे और वैसे ही विचार थे जैसे भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं,
उन्हीं विचारों से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी के जो अग्रिम संगठन है जनता विद्यार्थी मोर्चा और भारतीय जनता मोर्चा, इनमें छोटे छोटे पदों पर काम किया और फिर उसके बाद 1994 पे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जो अभी आदरणीय ओम बिरला जी हैं, वो राष्ट्रीय प्रदेश के अध्यक्ष थे और उनके सानिध्य में कार्य करने का अवसर मिला, उनका इसमें आशीर्वाद मिला। 1997 में भारतीय जनता मोर्चा का कोटा का अध्यक्ष बना, फिर राजस्थान का प्रदेश का उपाध्यक्ष बना। इसी प्रकार धीरे धीरे राजनीति में जो है सम्मिलित होने का अवसर मिला, लोगों की समस्याओं को उनके साथ कंधे से कंधा मिला करने का, उनके साथ खड़े रहने का भी अवसर मिला। और सदैव जो लोगों की परेशानियां थी वो हमारे पास आते थे और हम उनकी परेशानियों को उनके निराकरण के लिए हम प्रयास करते थे। ये शुरू से ही इसी प्रकार वर्षों का ये क्रम चलता रहा और फिर 2014 में आदरणीय ओम बिरला जी के स्नेह और आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी के विश्वास ने मुझे विधानसभा के उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया। मैं 25,700 मतों से जीत कर आया। फिर 2018 में भी हमारी चूंकि सरकार नहीं बनी परंतु मुझे प्रत्याशी पुनः बनाया गया और मैं पुनः जीता। और फिर 2023 की ये चुनाव जो आप 5,000 वाली बात कर रहे हैं वो एक क्रम चलता है। शुरू में कोटा दक्षिण का प्रत्याशी जो है वो कुछ मतों से पीछे होता है परंतु जैसे जैसे अपने विचार के लोग यहाँ बहुत सारे हैं वो आते हैं तो उस लीड को कवर करके और लीड दिलाते हैं। और मुझे इस बार 11,500 मतों से विजय मिली है तो निश्चित रूप से लोगों का आशीर्वाद है, स्नेह है और हम भी भरसक प्रयत्न करते हैं। हमारी भी कोशिश रहती है रात हो चाहे दिन हो लोगों की कोई भी पीड़ा हो उनकी समस्या हो उनका किसी ना किसी प्रकार हम निदान कर सके। और बहुत आशीर्वाद और बहुत स्नेह मेरे क्षेत्र की जनता मेरे क्षेत्र के लोग मुझे अपने बच्चे भाई और बेटे की तरह मुझे स्नेह देते मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि भारत 21वीं शताब्दी में पहुंच चुका है। अब सत्ता में आने का मतलब ये नहीं कि आपको पावर मिल गई है, आपको लोगों को रूल नहीं करना है बल्कि आपको लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ना है। और शायद एक यही रीजन रहा कि आप इतने फेवरेट होते जा रहे हैं, आपको हर लोग बोलते हैं कि संदीप शर्मा जी हमारे लाडले हैं, तो एक ये एक्स फैक्टर तो आपका है सर कि आप कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और इसीलिए लोग आपको इतना चाहते भी हैं। तो हम भी बोल सकते हैं कि नेता शब्द क्लास 9th से ही आपको मिल गया था, आप इलेक्शन लड़े क्लास 9th में, है ना। चलिए सर, अब क्योंकि सर आप बिल्कुल कोटा में ही बसे हैं, बॉर्न ब्रॉट अप एवरीथिंग इन कोटा, पूरी लाइफ आपकी कोटा है, तो आपको छोटा सा मैं एक होमवर्क दूंगी, मेरे सपनों का कोटा, इस पे आप 2-4 लाइंस अगर हमको बताएं, मेरे सपनों का कोटा। देखिए, मेरा हमेशा से कोटा के विषय में सोच रही है, जब से मैं विधायक बना, लोगों का जनप्रतिनिधि बना और जो मैंने देखा है लोगों की पहली आवश्यकता उनकी मूलभूत सुविधाओं की है और उनके अच्छा जल की व्यवस्था हो, उनकी अच्छी रोडें हो, नाली साफ हो। मेरी विधानसभा में पार्क बहुत सारे हैं, वो पार्क हरे भरे हों और उनमें खूब विकास के कार्य हम करा सकें, ये प्राथमिक आवश्यकताएं जो लोगों की हैं। मेरा भी मानना है कि मैं जो है अपने हर वार्ड को स्मार्ट वार्ड बना दूं, हर वार्ड में सारी चीजें हर प्रकार से बिल्कुल सुसज्जित हो, ना वहाँ नाली, ना वहाँ रोड, ना वहाँ पेयजल की समस्या हो। इन सब समस्याओं को हम एक साथ पूरी तरीके से कर दें और बड़े काम तो है, जैसे भित्रा कुंड का मैं विस्तार चाहता हूँ,
मैं चंबल गार्डन की भी दशा सुधारना चाहता हूँ। तो ये लोगों की मांग भी है और इस क्षेत्र में हम काम करेंगे। इसे कोटा पर्यटन नगरी बने, कोटा में पुनः जो है जो बाघ अभयारण्य हमारा मुकुंद्रा हिल्स का काम था वो धीमे पड़ गया था, उसको हमने पुनः तेजी के साथ आगे करना चालू कर दिया है। और वहाँ अभी जो है एक टाइगर्स और आनी है, तो हम उसकी और प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से कोटा में सारी सुविधाएं हैं। कोटा में चंबल रूप का वरदान है, माँ चंबल चरमवती का वरदान है। और यहाँ कोटा से दिल्ली रेल लाइन पर हमारा जो कोटा स्थित है, अब 8 लाइन से भी ये जुड़ने वाला है बहुत शीघ्र ही। तो हर प्रकार के उद्योग धंधे यहाँ हम लगाए जा सकते हैं। तो सौर भी जो भी बेस से बेस प्रयास किए जाएंगे, हमारा यह प्रयास होगा कि कोटा के धरती के अंदर जहाँ सारी सुविधाएं हैं, वहां जो कोटा पहले उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था, उद्योग नगरी पुनः स्थापित हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके, कोटा की इकोनॉमी सुधर सके। तो ये सारी चीजें मेरे सपनों में है और ईश्वर इनको पूरी करने के लिए मुझे शक्ति क्षमताएं दी, मैं पूरी ताकत के साथ। बिल्कुल, आपने ये बहुत सुंदर एक विचार दिया कि हर एक वार्ड अगर सुंदर बनेगा, स्मार्ट बनेगा, तो कोटा अपना आप ही सुंदर और स्मार्ट बन जाएगा। हमको बिल्कुल नीचे से काम शुरू करना है। पार्क ऑक्सीजन हो, लोग बाग जब अपने घर के बाहर से निकले तो उनको ऑक्सीजन अंदर महसूस एक, हो, एक पेड़ तो दिखी जाए। हाँ, मेरे कम से कम 500 पार्क हैं और हम लगातार वृक्षारोपण वहां करते रहते हैं। अनिल आदरणीय ओम बिरला जी भी इस बार बहुत गंभीर है। अच्छा। और वो शुरू से ही जब मैं युवा था तब मैं देखता था कि वो वृक्षारोपण में बहुत रुचि के साथ कार्य करते हैं। तो कोटा दक्षिण में आज यदि वृक्षारोपण हम देखते हैं चारों तरफ, बहुत बड़ी देन ओम बिरला जी की भी इसमें हम बात करें। सर, कोटा को बोला जाता है एजुकेशन हब, इंडिया की शैक्षिक नगरी का दर्जा इसको मिला हुआ है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया कि स्ट्रेस के वजह से, प्रेशर के वजह से बहुत सारे सुसाइड केसेस आए। अगर मैं आपको बताऊं, जिस दिन होगा नीट का एग्ज़ाम या ITJEE का एग्ज़ाम होता है, तो उस दिन आप देखिए हॉस्पिटल में एक के बाद एक स्टूडेंट्स आते हैं। सुसाइड केसेस तो है ही, साथ में ये भी देखा गया कि क्राइम्स भी हो रहे हैं, जैसे कि किडनैपिंग के, चोरियों के, इवन रेप केस तक सामने आए हैं। तो इसके लिए आपकी सरकार अब क्या क्या कदम उठाने वाली है? देखिए, कोटा में पूरे देश के शहर भर के बच्चे आकर विद्या अध्ययन प्राप्त करते हैं, वो तो एक अलग विषय हो गया। और चूंकि आप जो पूछना चाहती हैं कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव परीक्षा में बैठते हैं, उससे पहले उनको तनाव हो जाता है। हाँ जी, आप ये पूछना चाहती हैं। देखिए सब, इसमें कोई सरकार या कोई एडमिनिस्ट्रेशन उससे ज्यादा उनके अभिभावकों को का कार्य है। बिल्कुल, कि किस प्रकार से अपने बच्चों को वो मोटिवेट करें, किस प्रकार से उनको ये शिक्षा दें कि कैसे हम तनाव को नियंत्रित कर सकें। और उसके लिए मोटिवेशनल कई कार्यक्रम तो होते ही रहते हैं। आजकल YouTube और जो नेट का भी सहारा लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जागरूक अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उन चीज को सीखते हैं। और बहुत सारी ऐसी विधियां हैं, जब हम बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, घोर विपत्ति हमारे सामने हो, ऐसी स्थिति में भी हम अपने आप को नियंत्रित कर सकें, हम अपने आप को उन चीजों से ऊपर हटकर उनसे बाहर निकलने का हम प्रयास करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से वो बच्चों को सफलता मिलेगी, लेकिन उसके लिए उन्हें स्वयं प्रयास करना होगा। हम कितने ही मोटिवेशनल कार्यक्रम कर लें, मैं थोड़ा स्पष्ट बोलता हूँ तो बिल्कुल सही है, हम कितने ही मोटिवेशनल कार्यक्रम कर लें, हम इंस्टीट्यूट्स के ऊपर कितना ही दबाव बना लें, हम एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कितना ही दबाव बना लें, परंतु जब सीखने वाले की इच्छा होगी तभी जाकर वो चीज स्वतः फलित हो पाएगी।
और जब बच्चे के अंदर ये जागरूकता आएगी कि मुझे मेरे आने वाले तनाव की तैयारी करनी है, मैं परीक्षा के समय तनाव में रहता हूं तो उस तनाव से कैसे मैं छुटकारा पाऊं, तो उस समय उसको अगर वो यूट्यूब में भी खोलेगा या कहीं ना कहीं रास्ता उसका खोजेगा तो निश्चित रूप से उसको रास्ता मिलेगा, और वो अपनी इन सारी चीजों को जीत कर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आजकल पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए, और यही एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है कि बच्चे इतने डिप्रेशन में, इतने स्ट्रेस में क्यों जा रहे हैं। तो पहले तो पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस बहुत जरूरी है, है ना सर। बाकी सर, कोटा सिटी की अगर हम बात करें तो पिछले सालों में ये भी देखा गया कि क्राइम्स अगेंस्ट विमेन बढ़े हैं, कोटा में नहीं बल्कि हमारे राजस्थान पूरे स्टेट में ही ये बढ़े हैं। तो इसके लिए सरकार की क्या पहल रहेगी कि कोटा में जो महिलाएं हैं या राजस्थान में जो महिलाएं हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। देखिए, सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी इस विषय में बहुत ही गंभीर है। उन्होंने जब से अपने मुख्यमंत्री के पद को संभाला है, फर्स्ट डे से ही उनका प्रयास कि कानून व्यवस्था एकदम चाक चौबंद हो जाए। उन्होंने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की बैठक की और बैठक लेने के बाद सभी को मुस्तैद किया है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था जो बिल्कुल बिगड़ चुकी थी, और मुख्यतः जो महिलाओं के रूप में हम देखें तो हमारा ये प्रदेश पूरे देश में नंबर वन बलात्कार के मामले दर्ज करवाने में रहा है, पॉक्सो एक्ट के मामले दर्ज करवाने में रहा है। इन सारी चीजों को सरकार बड़ी गंभीरता से ले रही है, और अभी मैं अपने कोटा शहर के अंदर ही एक ऐसी रोमियो एंटी रोमियो स्क्वाड यहाँ बनाई गई है जिससे जो इस प्रकार के लोग हैं उन पर एंटी रोमियो एक्ट, जो महिला विंग होंगी वो पूरी तरीके से जो है उन पर नजर रखेंगी और इस प्रकार की घटनाओं के लिए पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ काम करेंगी। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने दिया है हमारे इस शो के थ्रू, और मुझे नाम बहुत अच्छा लगा एंटी रोमियो। तो ये कुछ ऐप वगैरह होगा जो डाउनलोड करना पड़ेगा हमको जी, या ये तो एक पुलिस की व्यवस्था है। अच्छा, तो कुछ हेल्पलाइन नंबर वैसा कुछ हेल्पलाइन आपको मिलेगी? नहीं, नाम बहुत अच्छा है जिसने भी इन्वेंट करा है, मेरे को नाम बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज, और इसकी वाकई में बहुत जरूरत थी हमारे प्रदेश को, हमारे देश को बोल लीजिए। कोटा स्मार्ट सिटी बन रहा है, काफी हद तक बन चुका है, हमारी पिछली सरकार ने काम भी करा, मतलब काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करे, हम देख भी रहे हैं कि कोटा को सिग्नल फ्री बनाने के लिए बोला गया, बन रहा है, रिवर फ्रंट का भी अभी इनॉग्रेशन हुआ था। तो ये कोटा को कैसे नया नक्शा दे रहा है, क्या नई दिशा दे रहा है ये? देखिए, डेवलपमेंट होना बहुत अच्छी बात है, परंतु डेवलपमेंट के नाम पर अपव्यय होना ये बहुत बुरी बात है। जनता जनार्दन का पैसा जिसका सदुपयोग हो, लोगों को अच्छी और सुंदर चीजें भी मिल सकें, यदि हम अपने पैसों का सदुपयोग करें तो हम जो हमारी चंबल के किनारे की पर्यटक स्थली है अद्भुत सौंदर्य से भरी हुई है, और उस अद्भुत सौंदर्य को निखारने के लिए अगर पैसा लगाया जाता है तो मैं समझता हूँ कोटा बहुत जल्दी पर्यटन नगरी बनता, और सारी चीजें अच्छी हैं, सिग्नल फ्री रोड भी बढ़िया है, रिवर फ्रंट का भी मैं कोई विरोधी नहीं हूं, परंतु इतना जो पैसा लग गया, पैसा लगना, और क्योंकि मैं अहमदाबाद में मैंने साबरमती के तट को देखा है और उसमें भी इसी प्रकार का फ्रंट है। अच्छा, लेकिन उसमें कहीं पैसे की मुझे बर्बादी नजर नहीं आई, ना बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रक्चर्स मुझे नजर आए, लेकिन फिर भी लोगों का रुख उस तरफ भी है, अहमदाबाद की तरफ बहुत होता है जो पर्यटक है। तो इस प्रकार से उस चीज का उपयोग ये तभी संभव हो सकता है जब हम अपने
देश से प्रेम करते हो, लोगों के पैसों की उपयोगिता को हम सही जगह लगा सकें, तब जाकर लोगों के प्रति हमारी संवेदनशीलता है, हम उनके इलाज की भी सोचते हो, उनकी शिक्षा की भी सोचते हो, उनकी चिकित्सा की भी सोचते हो, और उनकी प्राथमिक और मूलभूत समस्या पानी बिजली सड़क उनकी नाले की सफाई की भी सोचते हो, तब जाकर आप पैसे का सही उपयोग कर पाएंगे, उसका सही बंटवारा कर पाएंगे। सही, बहुत आपने अच्छी बात बोली है। हम भी गए थे क्या रिवर फ्रंट घूमने के लिए, तो मैं आपको बताती हूँ मेरे दिमाग में जो बात आई, मैं एक एक दीवार या एक एक स्ट्रक्चर जब मैं देख रही थी ना, तो मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि जितने में एक दीवार बनी ना, शायद किसी गरीब का एक पूरा घर बन जाता। सही बात। तो ये बात बिल्कुल मेरे दिमाग में आई थी और आपने भी वहीं पे स्ट्राइक करा बिल्कुल। अब थोड़ा सा अभी कूल हो जाइए, हम एक छोटा सा राउंड खेलेंगे रैपिड फायर, हमारे शो का हमेशा ये हिस्सा रहा है। तो रैपिड फायर में ये रहेगा कि मैं आपको एक वर्ड दूंगी और आपको एक वर्ड में मुझे आंसर करना है। एग्जाम्पल अगर आप बोलें तो मैं एक दिन जी, सपोज मैंने बोला आकाश, तो आपने सूरज बोल दिया, मतलब रिलेट कर लेते कि हाँ आकाश में ही सूरज होता है। तो सर आप रेडी हैं तो हम स्टार्ट करते जी। ठीक है। पिता, पुत्र, टिफिन बॉक्स, खाना, हेल्थ, एक्सरसाइज, लीडर, स्ट्रॉन्ग, भविष्य, उज्जवल। अरे वाह, एक्साइटिंग सर, एप्लॉस। बहुत अच्छी तरह से आपने एक वर्ड में ही आंसर दिया सारे के सारे रैपिड फायर वर्ड्स का, थैंक यू सर। अब सर हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, और चूंकि लोकसभा इलेक्शंस हमारे सर पे ही हैं बिल्कुल, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी और आपकी पार्टी की इसमें क्या भूमिका रहेगी, आप किस तरह से वोटर्स को आप टच करेंगे और आप उनको बोलेंगे कि हमारा जो मतदान का जो हमारा एक अधिकार है हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए और बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ करना चाहिए, तो इसके लिए सर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं जिस दल से संबंध रखता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसमें कार्यकर्ता 5 साल 2400 घंटे लोगों की सेवा में रत रहते हैं, और अपने इस विशिष्ट स्वभाव से उनके क्षेत्र में वो जाने भी चाहते हैं, और हम लगातार हम और हमारे कार्यकर्ता अपनी पार्टी के उत्थान और विकास के लिए, उसके द्वारा दिए गए अभियानों के लिए, उनकी योजनाओं को, हमारी जो पार्टी की मुख्य संकल्पना है जब से पार्टी बनी और अटल बिहारी जी वाजपेयी और उसके बाद अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सभी का एक और एक और एक ही लक्ष्य है कि भारत देश में पैदा हुए भारतवासी, इस भारत माता के सभी रहने वाले लोग सक्षम हो, समृद्ध हो, और अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक अपनी सरकार की योजनाओं के लाभ को पहुंचाना, उनको उनके पैरों पर खड़ा करना, उनको अच्छी चिकित्सा देना, उनको मकान देना, उनके यहाँ तक कि हमारे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो तो इतने संवेदनशील हैं कि वो छोटी से छोटी चीज, महिलाओं के शौच जाने के विषय में भी उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए लगभग 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया, जिससे महिला सम्मान से अपना जो है नित्य कार्य कर सके। उन्होंने बोझ ढोने वालों की चिंता करी, गरीब मजदूर की चिंता करी, युवाओं को उनके पैरों पर खड़े करने की चिंता करी, उसको स्किल डेवलपमेंट के तहत उसको ऋण देकर, उसको आत्मनिर्भर बनाकर आज उनको देश की मुख्य धारा से छोटे से छोटी व्यक्ति को, छोटी से छोटी जाति, मुख्यतः 4 जाति में हम मानते हैं, गरीब, युवा, किसान और महिला, इन सभी लोगों को सक्षमता समृद्धता के दायरे तक ले जाना और उनको पूरी तरीके से उनके पैरों पर खड़े करने के साथ साथ उनको इस भारत का सुदृढ़ नागरिक बनाना, इस ओर हम लगातार काम करते हैं। और जब चुनाव आते हैं, चुनाव में हम लोगों की गति और तेज हो जाती, हम घर घर लोगों के पास जाते हैं, क्योंकि भारत में भूलने की आदत है लोगों को, तो हमारा प्रयास होता है कि हम घर घर जाकर उन चीजों को बताएं कि किस तरीके से हमारा राम जी का मंदिर जो 500 साल
तक लोगों की मन में था, देखना चाहते थे और सबकी इच्छा थी, तो वो आज राम मंदिर बन गया। हमारी धर्म और संस्कृति का जो पुनर्वैभव था वो पुनः लोगों को दिखाई देने लगा है और पुनः अब चुनाव में जो भी हमें कार्य दिए जाएंगे, क्योंकि हमारे केंद्रीय संगठन और प्रदेश के संगठन के द्वारा सारी व्यवस्थाएं किस प्रकार से हमें करनी है वो, और हमारी मेहनत, हम कोई कसर नहीं छोड़ते। और यही कारण है कि इस बार हम 400 पार भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी। बिल्कुल सर, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत तो रंग लाती है खैर, और हम देख भी सकते हैं कि पूरी आपकी पार्टी लगी हुई है जोर शोर से। बाकी सर देखिए, जैसे कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है डायनेस्टिक सक्सेशन का, मतलब हम पढ़ते भी थे। पार्टी टिकट देने की जब बात आती है तो हम प्रेफर करते हैं कि हम अपनी ही फैमिली को आगे प्रमोट करें या फिर जो हमारे आसपास के हम उनको टिकट दें। तो अगर जितना मैं जानती हूँ आपकी फैमिली का शायद पॉलिटिक्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, आप ही शायद पहले रहे हैं जो आए हैं, तो आप ये बताइए कि आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, क्योंकि होता है ना कि किसी का तो होता है कि भैया ठीक है डायनेस्टिक सक्सेशन चल रहा है कि पिता सीएम है तो नेक्स्ट सीएम आप ही बनोगे ये रहता है, है ना, एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी डेमोक्रेसी का। तो एक चैलेंज आपने जो बहुत स्ट्रॉन्ग चैलेंज आपके सामने आया, देखिए राजनीति में भाग्य और आपकी मेहनत दोनों का ही यह योगदान होना चाहिए। आप कितनी मेहनत कर रहे हो वो लाभ आपको नहीं मिल पाएगा कि आप और अधिक लोगों की सेवा कर पाओ, एक सीमित दायरे में आप सेवा कर पाओ। लेकिन यदि आपका भाग्य भी अच्छा होगा और आपकी मेहनत भी उस अकॉर्डिंग हुई होगी, दोनों का परस्पर तालमेल, तब जाकर आप कहीं ना कहीं राजनीति में सक्सेस हो पाते हो। और जैसा और लोग को लगा, लेकिन मुझे बहुत बड़ा, मैं सौभाग्यशाली रहा कि मेरे ऊपर आदरणीय बिरला जी का स्नेह और आशीर्वाद रहा और मुझे कोई बहुत ज़्यादा परेशानियां कभी नहीं आई। और क्योंकि मैं जैसे विचार चाहता था, जैसी संवेदनशीलता चाहता था, जैसा नेता मेरे मन में बसा था, मुझे वैसा नेता मिला। मैं उनकी करुणा को देखता हूँ, उनकी संवेदनशीलता को देखता हूँ, उनकी गरीब और परेशान लोगों के लिए उनमें मन, उनकी परेशानी को, उनकी तड़प को देखता हूँ, उनके निराकरण की तड़प को देखता हूँ। तो निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली भी हूँ कि मुझे ऐसा नेता मिला और उन्होंने सदैव मेरा सहयोग भी किया, साथ भी किया। ओके, तो मतलब जैसे वो आपके पॉलिटिकल गुरु रहे, हम ये बोल सकते हैं, मतलब जो भी आपने सीखा आपने उनके साथ रह करके सीखा। तो सर एक चीज़ तो हमने आपके बारे में बहुत अच्छे से जान ली है कि आप बहुत संवेदनशील है, आपने इस एपिसोड में कई बार इस वर्ड का यूज़ करा है। और डेफिनेटली सर जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ नया काम करते हैं, तो आलोचना होना तो बहुत स्वाभाविक है। अगर हमारे सामने परेशानियाँ नहीं आ रही है तो मुझे लगता है शायद हम कुछ काम कर ही नहीं रहे। तो क्रिटिसिज्म, क्रिटिक्स आपकी लाइफ में भी ज़रूर आए होंगे, तो क्रिटिसिज्म ने क्या रोल प्ले करा आपकी लाइफ में? मैं जब बुराई सुनता हूँ या आलोचना सुनता हूँ, मेरा उस पर मैं बहुत ज़्यादा गौर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि मैं जितना अच्छा कर रहा हूँ वो मेरा सर्वश्रेष्ठ अच्छा मैं कर रहा हूँ। और अब मैं नहीं कर पा रहा, कोई नाराज़ है तो हो सकता है कि वो अनावश्यक भी नाराज हो या अन्य कोई कारण हो उससे भी नाराज हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते भी हैं जो अनावश्यक रूप से परेशान रहते हैं, आलोचना भी करते हैं। और चूंकि मैं मेरे जीवन में देखता हूँ कि मैं जब अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे पुरुषार्थ के साथ उस कार्य में लगा हुआ हूँ जो ईश्वर ने मुझे दिया है, तो फिर मैं आलोचनाओं से घबराता नहीं, मैं
किसी भी अपनी बुराई को ज्यादा उस पर गौर देता नहीं। यही खूबी होती सर एक ईमानदार इंसान की। अक्सर क्या होता है कैसी सामने अगर क्रिटिसिज्म आ जाता है तो हम हिल जाते हैं, हम पूरी नेगेटिव एनर्जी निकलती फिर हमारे अंदर से। लेकिन एक जो इंसान ईमानदार होगा, ऑनेस्ट होगा, उसको आलोचना कभी हिला भी नहीं सकती है। सर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज की तरफ। ये ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे हम आ चुके हैं अपने शो के। आंसर फटाफट, मैं आपसे बहुत तेजी से आंसर करूंगी और आपको उतनी स्पीड के साथ मेरे को आंसर भी करना है वापस। तो सर स्टार्ट करें जी। आप दिल की सुनते हैं या दिमाग की? दिल की सुनता हूँ और दिमाग से भी काम लेता हूँ। स्मार्ट आंसर सर। आपका फेवरेट फूड कौन सा है जो आप बहुत प्यार से बनाते हैं और आप बहुत प्यार से दूसरों को खिलाते भी हैं? बनाने में तो ऐसे कभी भी चाय भी बना लेते हैं और दूसरी चीजें भी बना लेता हूँ। कोई स्पेसिफिक फूड? अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपको कोटा शहर छोड़ के कहीं और जाना पड़ जाए फॉर एग्जाम्पल, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? कोटा शहर में नहीं छोड़ सकता। पॉलिटिक्स या परिवार, किसे चुनेंगे आप? पॉलिटिक्स अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है, दोनों से तालमेल करके चलेंगे। गुड सर, आपने बहुत ही स्मार्टली और इंटेलिजेंटली आपने आंसर करे सारे क्वेश्चंस। सर अब हम ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे आ गए अपने शो के। तो हम इस पर्टिकुलर सीरीज को नाम देते हैं सवाल पे सवाल। कोई एक ऐसा सवाल जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं आपसे पूछती, लेकिन हमने आपसे पूछा नहीं, तो आप प्लीज बताइए कि वो सवाल क्या होगा। यू तो आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरा ये साक्षात्कार लिया है और बहुत सारी चीजें आपने मुझसे पूछी, परंतु मैं चाह रहा था कि आप ये पूछें कि आप राजनीति में किस तरीके की राजनीति को पसंद करते हैं। तो मेरा आपका फेवरेट क्वेश्चन जी, तो मेरा आंसर ये होता कि मैं राजनीति में कम लेकिन समाज के कामों में ज्यादा शुरू से मेरा इंटरेस्ट रहा है। मैं राजनीतिक कम हूँ, मेरा दिमाग जो आप राजनीतिक दिमाग कम है, मैं सिर्फ सामाजिक ज्यादा हूँ ये। नहीं नहीं सर बिल्कुल, देखिए जो एक समाज सेवक होगा वही एक अच्छा पॉलिटिशियन बनेगा। सिंपल सी थ्योरी है, देखिए है ना। तो सर इसके साथ मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो पर आए, आपने इतनी सारी अच्छी चीज़ें बताई। और कोई एक ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते हैं हमारे शो के थ्रू हमारे व्यूअर्स को, तो हम बिल्कुल सुनना चाहेंगे और देखना चाहेंगे आपको। देखिए सभी लोग बहुत बड़ी त्रासदी से निकल कर आए हैं, बहुत लोगों को हमने अपने हाथों से बिछड़ते हुए देखा है। कोरोना की भयावह विभीषिका से तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास हो कि हम अपने जन्मदिन पर, अपने वैवाहिक वर्षगांठ पर कम से कम एक वृक्ष हम सभी लगाएं, क्योंकि यदि वृक्ष है तो कल है, और हम आने वाली पीढ़ी को यदि खुशहाल देखना चाहते हैं, स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो हमारा सभी का प्रयास होना चाहिए कि हम हमारे जीवन में अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, उनको सहेजें और बच्चों की तरह सहेजें। जब तक वो बड़े ना हो जाएं तब तक उनकी हम परवरिश करें। तो निश्चित रूप से आने वाला विश्व का भविष्य बहुत सुंदर हो। बिल्कुल सर, बहुत सुंदर बात आपने बोली है कि समाज तभी उन्नति कर पाएगा जब हम इस पृथ्वी का ध्यान रख पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी हमारे लिए ही है और हम इसके लिए हैं। तो एक माँ की तरह ही हमको उसको पूजना है और उसको निखारना और संवारना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे शो पर आए। आपने इतनी मतलब सुंदर और इतनी अच्छी तरीके से और इतने सहज तरीके से आपने राजनीति समझाई, वो वाकई बहुत तारीफ करने वाली चीज़ है। और सर ये हमारी टीम की तरफ से आपके लिए इनका आशीर्वाद, हरे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। सो दिस वॉज द एंड ऑफ अ शो।
With this, I would like to tell you that today's experience was an incredible one. It was full of learning. आज हमने सीखा कि एक strong इंसान वही होता है जो emotionally rich होता है. एक strong individual, एक strong leader वही होता है जिसके साथ उसकी family हमेशा खड़ी होती है और जो power को हुकूमत नहीं मानकर ये मानता है कि मुझे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलना है तो तभी हम विकास कर सकते हैं. सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक ऑल आवर व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग अस एंड प्लीज डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब.